सो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होप करते हो आप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ आज हॉस्पिटल में और आज है संडे, क्योंकि जो भाभी है मेरी उनको टाइफाइड हो गया है, तो कल से एडमिट है। मैं कल रात से 11-12 बजे से यहीं पर हूँ। उससे पहले क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर थी, अल्ताफ भी था, तो अभी कुछ टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर ने, तो अभी उसकी स्लिप बनवाने के लिए मैं जा रही हूँ। सो के उठ गया है। अरे कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहे हो? अभी चलेंगे ना, अभी हम घर पे आओ, मैं चाय पी लूं। और इस सोफे पे ही रात को मैं सो गई थी, थोड़ी कमर में मेरे दर्द है। ये रखी मेरी चाय, दवाई लगा गए कैनूला? अब तेरे को बुखार हुआ था सुबह? एक बार हुआ। अभी दवाइयां चढ़ेंगी ना, दवाइयां ले आई हूँ मैं। टेस्ट और है तो आज आपको पता है कि मामी घर पे नहीं है, मामी है हॉस्पिटल में और मम्मा आ चुकी हैं। मम्मा बहुत थक गई हैं, मम्मा की बैक में पेन हो रहा है। हाँ, मम्मा की बैक में बहुत पेन हो रहा है, तो अब मैं जा रही हूँ अपनी घर की रौनक के पास, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है मामी के बिना। चले मम्मा, चलो बेटा। सुबह शाम के बज चुके हैं 6:30 और मैं अपने लिए सोकर उठ के चाय बना के लाई हूँ। उसके बाद मगरिब की नमाज का टाइम हो जाएगा। बाकी रात को हॉस्पिटल में रुकी थी तो नींद नहीं आई बिल्कुल भी, तब थोड़ी सी नींद मेरी पूरी हुई है। कभी भी थोड़ा सा नींद जो मेरी डिस्टर्ब होती है ना कभी भी, तो फिर शरीर थोड़ा थक जाता है और बैक पेन भी हो रहा है आज तो। सुबह रात के बज रहे हैं 11 और मैं जब सुबह में दोपहर में चली गई थी हॉस्पिटल से, उसके बाद अल्ताफ रहा रो ही रहे यहाँ पे और मैं अब आई हूँ। अब मैं कुछ देर यहाँ पे रुकूंगी और फिर उसके बाद घर जाऊंगी, क्योंकि बच्चों का सुबह स्कूल भी है और आज रात को यहाँ पे अल्ताफ ही रुकेगा। था मेरे साथ आया था, मेरे को याद ही नहीं है। रात को से पढ़ लिए थे नहीं, हॉस्पिटल में कहाँ आया था ये? आए थे। मेरे को याद ही नहीं है डुगू का। मतलब यहाँ पे भी खाने लग गए। फिर रिपोर्ट में क्या आया? हाय गाइस, डुगू मैंगो शेक किसने बनाया? प्यास लगी थी। डुगू मैंगो शेक किसने बनाया? आयनू दीदी ने, बहुत टेस्टी बनाया। अच्छा बनाया, बहुत ज्यादा। कल किस चीज का एग्जाम है? हिंदी का। अच्छा। और गाइस ये मेरा फेवरेट सीरियल है जो मैं देखती हूँ। सो गाइस हॉस्पिटल से हम आ गए थे घर, उसके बाद आयनू ने बनाया मैंगो शेक, उसके बाद हमने मैंगो शेक पिया है और अब मैं बड़े सुकून से बैठी हुई हूँ। आज पता नहीं क्यों, वैसे सब कुछ ठीक है लेकिन मेरा मन है ना बहुत उछटा सा हो रहा है। घर पे भी सब ठीक है, नीलू की थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन उसकी ठीक हो जाएगी क्योंकि वो एडमिट है हॉस्पिटल में। और जैसा कि आपको पता है कल तो मैं रुकी थी, आज अल्ताफ ही रुकेगा क्योंकि कल का डुगू आयनू का स्कूल है, मुझे भी कोर्ट जाना है, तो थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा। और कल पूरी रात मैं सो भी नहीं पाई थी, तो आज मैं शाम के टाइम 1-2 घंटे के लिए सोई हॉस्पिटल से आने के बाद, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन बॉडी में तो है लेकिन पता नहीं मन अजीब सा उछटा सा है, या तो शायद मुझे पापा की याद आ रही है या फिर पता नहीं क्या ही मामला है, अल्लाह बेहतर जानते हैं। तो रात के बज चुके हैं 1:15 और डुगू आयनू सो चुके हैं और इनका भी कल का स्कूल है जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। मैं भी कोर्ट जाऊँगी क्योंकि मेरा एक अर्जेंट वर्क है और बाकी मौसम थोड़ा ठंडा है थोड़ा गर्म है, मौसम काफ़ी अच्छा है। और आप सब लोगों से मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और हमेशा खुश रहिए, अच्छे से रहिए, जिसके भी साथ रहे हमेशा सच बोलिए क्योंकि सच हमेशा पार उतारता है इंसान को। और एक और बात कहना चाहूँगी जो कि मैं बीच बीच में बोल देती हूँ कि जिसके भी साथ रहे ना दिल से रहिए और उसकी बातों को डिस्क्लोज ना कीजिए, क्योंकि इंसान को दुख होता है क्योंकि वो अपने दिल से अपनी अच्छाई की, सच्चाई की या बुराई की, अमीरी की, गरीबी की आपको बात बताता है। फिर हम उस बात को, मतलब हम या आप, उसको कहीं और डिस्क्लोज कर देते हैं, तो जिसकी वो बातें हैं ना उस इंसान को बहुत फील होती हैं। तो बस मैं तो यही कहूँगी और जब तक ले गुड नाइट और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।